हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं बी बोल्ड बातें। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हों। तो आज हम बात करेंगे पेनिस में बहुत ज़्यादा खुजली है, सूजन है और घाव बन गया है, मवाद आ रहा है, तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है। बहुत लोग इससे परेशान होते हैं कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, लिंग के ऊपरी फोर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, सूजन आ गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली हो रहा है। तो काफ़ी लोग इससे परेशान हो जाते हैं और ये परेशानी उस हद तक बढ़ जाती है कभी कभी कि जो जिसको ये खुजली हो रही है वो घर से बाहर जा नहीं पाता है। बार बार वो बाथरूम जाता है, बार बार उसको इतना खुजली होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब थोड़ा मोड़ा हो तो चलो ठीक है, लेकिन जब ये आप इलाज नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो कि चलो थोड़ा मोड़ा है ठीक हो जाएगा, ध्यान नहीं देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देता है। और हर कोई इस चीज़ से एक ना एक बार ज़रूर जूझता है कि हमारा जो पेनिस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये हो क्यों जाता है और इस पर आप किन चीज़ों का ध्यान देना है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस कारण से होता है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, घाव बन रहा है, तो ये किस कारण से होता है। तो इसमें सबसे पहला है, आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर इस टाइप की कोई भी समस्या आ रही है तो सबसे पहला रीज़न है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं रख रहे हो, है ना। आप उनको क्लीन रखो, वहाँ पे मतलब इतना साफ़ सफाई रखो कि वहाँ पे कोई चीज़ आक्रमण ही न कर पाए, वहाँ पे कोई संक्रमण ही ना हो। तो ये है सबसे पहला, आपको साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो इस कारण से होता है। दूसरा है, जो कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे आपको एलर्जी है तो उस प्रोडक्ट का आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप यूज़ कर दिए हो पेनिस के पास, तो उसके चलते भी आपको एलर्जी हो सकती है, वहाँ पे खुजली हो सकता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, आप साबुन का यूज़ कर रहे हो, साबुन का यूज़ नहीं करना है, उसमें केमिकल होता है, तो कभी भी आपको ना साबुन का यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। तो ये अगला कारण है, अगर आपकी पार्टनर को प्राइवेट पार्ट में, उनके वेजाइना में इस टाइप की कोई समस्या है, उनको पहले से कोई समस्या है इस टाइप की, फंगल इन्फेक्शन है या उनको बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह हो रहा है और आप उनके साथ इंटरकोर्स करते हो बगैर कंडोम के, तो हो सकता है उनके ज़रिए आपको ये एलर्जी हो गया हो, उनके ज़रिए आपको ये चीज़ हो गया है। आइए अब जानते हैं इसको ठीक करने के उपाय। अगर आपको इस टाइप की समस्या है तो सबसे पहले तो आप एकदम साफ सफाई का एकदम ध्यान दीजिए, है ना। मार्केट में प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं, वो यूज़ कीजिए, या फिर डॉक्टर से रिकमेंड करके कुछ लिखवा लीजिए वो यूज़ कीजिए, या विवास के नाम से कोई चीज़ आता है मार्केट में वो यूज़ कीजिए आप, जो कि आपको एलर्जी नहीं करेगा, उससे अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने पेनिस को अच्छे से नर्म हाथों से साफ़ कीजिए। या फिर ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अगर आपको घर पे यूज़ करना है तो आप गुनगुना पानी लीजिए, है ना। ओनली गुनगुने पानी से आप अपने फोर स्किन को नीचे करके अच्छे से वहाँ पे साफ़ करो, डेली डेली नहाते समय आपको करना है ये। या फिर ये कर सकते हो, हल्के गुनगुने पानी में डेटोल के एक या दो बूंद डाल के आप वहाँ पे सफाई कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जैसे 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 आप कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो करोगे, देखोगे आपका जो खुजली वगैरह है ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है आपको करना है, जैसे प्राइवेट पार्ट के जो बाल होते हैं ना, उसको आपको कैंची से थोड़े छोटे छोटे कट कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं तो उसको हमेशा क्लीन कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना है तो आप कैंची से उसको ना कट कर लो तो वो सही रहेगा। जैसे आप कैंची से कट कर लोगे ना, तो वहाँ पे पसीना वगैरह, मैल वगैरह, या फिर साबुन से आप नहाते हो तो वो सारा कुछ वहाँ पे जमा नहीं होगा, वो साफ़ हो जाएगा, ये इन सब के कारण भी वहाँ पे खुजली हो जाता है। और जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करो तो आप कंडोम का ज़रूर यूज़ करो। अगला है, गीला अंडरवेयर आपको नहीं पहनना है, एकदम प्रॉपर सूखा हुआ अंडरगारमेंट आपको पहनना है, और नहाने के तुरंत बाद आपको कपड़े नहीं पहन लेना है, अच्छे से प्रॉपर टॉवल से उसको सूखा के उसके बाद आपको अंडरवेयर पहनना है, और एकदम ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनना है। उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप टाइट कपड़े पहन रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा, पसीना आएगा, उसके चलते भी खुजली हो जाता है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर के पास कब जाना है आपको। सबसे पहले अगर ये नॉर्मल खुजली है, थोड़ा बहुत है,
उससे घाव नहीं बना है, मवाद नहीं आ रहा है, तब तो ठीक है, आप घरेलू उपाय करके आप घर पे ही ठीक कर लेना। और जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे करना, तो वो कुछ दिनों के बाद ना वो साफ़ सफाई का अधिक ध्यान दोगे ना तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। और अगर इस पे पेनिस पे बहुत ज़्यादा खुजली है, लाल है, सूजन है, मवाद निकल रहा है ना, तो इस टाइम पे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर उसका चेकअप करेगी और उससे रिलेटेड जो भी दवा होगा और जो मलहम होगा कुछ खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए वो देंगे। अगर आपको बाथरूम करने जा रहे हो तो भी आपको दर्द हो रहा है, तो इस टाइप की अगर आपको समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, शर्माओ नहीं, लेट मत करो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही बोल्ड टॉपिक के साथ। ओके बाय।